जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मोटिवेशनल वीडियो, निःशुल्क ज्योतिष परामर्श और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कन्या राशि के जो जातक हैं, आप किस श्रेणी में हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। सबसे पहली श्रेणी की बात करने से पहले, आप अगर नए व्यूअर हो, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको मोटिवेशनल्स वीडियो, निःशुल्क ज्योतिष परामर्श और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं, जो सबसे बड़ी परेशानी है। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो लोग सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद काम को करते हैं। ये तीन श्रेणियाँ हैं। मुझे विश्वास है कि आप तीसरी श्रेणी में ही होंगे, लेकिन यदि आप दो श्रेणी में ऊपर की है तो मेरी इन बातों को हिदायत रखें। यदि आप तीसरी श्रेणी में भी हैं जहां आपको भूल चूक हो जाती है, आप सक्सेस नहीं हो पाते, तो मेरी इन हिदायतों को मानें। सबसे पहली बात, आप बहुत कम सोचें। कम सोचने से अर्थ यह है कि केवल सामान्य सोचें, और सामान्य में उच्च स्तर तक आदमी सोच सकता है। यह नहीं कह रहा हूँ कि आप उच्च स्तर तक ना सोचें, लेकिन सामान्य बेसिक चीज़ों पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। आप अतिरिक्त इतना ना सोचें कि आज से 100 साल बाद क्या होगा, क्यों नहीं होगा, जो बहुत लोग सोचते हैं बहुत लंबा। तुरंत और आज में जिए, उसके फैसले भविष्यगत होना चाहिए, लेकिन इतने भी भविष्यगत नहीं होना चाहिए कि जो वर्तमान की स्थितियों से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, जो वर्तमान की स्थितियों से बिल्कुल मेच ना कर पाए, ठीक है। दूसरी बात, जो आपके साथ समस्या है वो आपके निर्णय शक्ति, जो निर्णय लेने की शक्ति है आपका, डिसीजन पावर को आप सही करें। डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है, इस पर बहुत अच्छे से सोच समझ कर आप लें। तीसरा, आपका मैनेजमेंट, आप किसी भी चीज़ के प्रबंध को सही तरीके से करें। और चौथे नंबर पर आपके खर्च जो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, उस पर आप कम करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चार चीज़ों पर आपको मैंने कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा, इन चार चीज़ों को आप ठीक कर लीजिएगा। पाँचवीं चीज़, अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, पूर्ण विश्वास रखें, पूरी श्रद्धापूर्वक, पूरे ईमानदारी के साथ ईश्वर का स्मरण करें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, तो आप सक्सेस के लिए सबसे सही बात यह है कि आप श्री राम मंत्र का जाप करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।